धर्मशाला में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश में कहा कि अगर वे सांसद बनते हैं तो 2003 के बाद जो कर्मचारी लगे हैं उन्हें पुरानी पेंशन से जोड़ा जाएगा। आज धर्मशाला में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश ने कहा कि अगर वे सांसद बनते हैं तो 2003 के बाद जो कर्मचारी लगे हैं उन्हें पुरानी पेंशन से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं को आउटसोर्स के तहत रखा जा रहा उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जितने भी रिटायर लोग हैं उनकी संख्या लगभग 32,000 के करीब है और अगर एक परिवार में 5 वोट भी हों तो उनके पक्ष में लगभग 1,60,000 वोट पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें आम आदमी पार्टी का समर्थन प्राप्त है और जिस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों का साथ उन्हें मिल रहा है इसके अतिरिक्त 50,000 से भी अधिक बेरोजगार युवा भी उन्हें जीतने के लिए वोट दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2004 से केंद्र सरकार ने जिस पेंशन को बंद कर दिया है इसकी बहाली के लिए भी सरकार से मांग की जाएगी। हमारा विजन तो यही है कि सरकार जो है केंद्र की पुरानी पेंशन सभी कर्मचारियों को बहाल करे जो केंद्र सरकार ने 2004 से और हिमाचल प्रदेश में 2003 से प्रदेश सरकार ने बंद की है। तो क्या लगता है कि आप इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है वो केंद्र तक पहुंच सकते हैं या फिर और भी व्यापक मुद्दे आपके और भी हैं? देखिए हमारे दो मुद्दे और हैं कि बेरोजगार जो पढ़े लिखा बेरोजगार है उसको रोजगार का प्रबंध और सरकारी सेवा में जो हमारे लड़के कर्मचारी सर्विस कर रहे हैं उनको नियमित रोजगार मतलब अनुबंध प्रथा और ये आउटसोर्सिंग जो है ये सरकार बंद करे, हम इसके खिलाफ हैं और ये इसी मुद्दों पे हम चुनाव जो है लड़ेंगे और जीतेंगे भी ये चुनाव। अच्छा, आप जब सत्ता में आएंगे तो आप इन जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं उनको कैसे लागू करवाएंगे, किस तरह का किरदार लड़ेंगे उसका? देखिए सत्ता में तो पार्टियाँ आएंगी, मैं नहीं आऊँगा, मैं तो आज़ाद प्रत्याशी जीतकर ही मेंबर पार्लियामेंट बनूंगा। अपने जो मुद्दे हैं मेरे हमारे मुद्दे हैं केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे, उसके लिए हम लड़ेंगे और लोगों को जागृत करेंगे कि सरकार जो है बेरोजगारों के साथ और कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है जिसके लिए हम अमर अनशन तक भी करेंगे। सर कितना जो वोट है आपका पेंशन कांगड़ा चंबा में है? ऐसा है कि सभी कर्मचारी जो जल रक्षक आउटसोर्सिंग आंगनबाड़ी वर्कर आशा वर्कर और जो रोजगार के विभिन्न विभाग हैं 32,000 के करीब कर्मचारी इस वक्त कार्यरत हैं जो पेंशन भी हैं और 50,000 से भी ज़्यादा जो बेरोजगार हैं जिनके नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज हैं वो भी हमारा समर्थन कर रहे हैं और ये चुनाव हम जीत जाएंगे, कांग्रेस और भाजपा को सबक सिखाएंगे। गौरतलब रहे कि डॉक्टर संजीव गुलेरिया को आम आदमी पार्टी का भी समर्थन है। आज प्रेस वार्ता के दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के जिला कांगड़ा अध्यक्ष राकेश मनकोटिया भी मौजूद रहे।